यहाँ पर हम आपको उपाय, जैसे कि हम आपके सामने हमेशा बिंदास बोल में उपाय लेके आते, हम किसी भी कार्यक्रम में केवल चर्चा नहीं करते, आपके सामने चर्चा का एक फॉर्मूला रखते हैं जिसमें स्थिति आपको बताते हैं, उसके बाद क्यों यह स्थिति उत्पन्न हुई है उसके कारणों पर चर्चा करते हैं, उसके साथ हम परिणामों को भी दिखाते हैं कि दोनों पक्ष के परिणाम क्या हो सकते हैं। परिणाम भी हम आपको दिखा चुके हैं और उपाय के बगैर हम बिंदास बोल को खत्म नहीं करते, क्योंकि हम चाहते हैं कि उपायों पर भी चर्चा हो। कांग्रेस किसी अनुभवी नेता को प्रधानमंत्री बनाए, कांग्रेस के पास राहुल गांधी से अधिक कई अनुभवी नेता है, तो फिर राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता को क्यों प्रधानमंत्री बना रही है? अच्छा होगा किसी ऐसे नेता को गद्दी पर बिठाया जाए जो देश की नस नस को जानता हो, अन्ना सरकार के किसी मुगलाते में ना आए, क्योंकि ये सारी मुहिम अन्ना के आंदोलन को खत्म करने की साजिश है। इसीलिए अन्ना को बड़े सोच समझकर झूठी सरकार के वायदों पर विश्वास करें, क्योंकि पहले भी सरकार ऐसा कर चुकी है। अन्ना अपनी मुहिम को आगे तक ले जाएं, क्योंकि अगर अन्ना ने राहुल गांधी के कहने पर अपने अनशन से हाथ खींच लिए तो भ्रष्टाचार की मुहिम को बहुत बड़ा धक्का लगेगा, क्योंकि राहुल गांधी से भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो भ्रष्टाचार पर अन्ना के साथ आ सकते हैं, क्योंकि जो आदमी अभी अन्ना का समर्थन नहीं कर रहा तो प्रधानमंत्री बनने के बाद तो वो और भी तानाशाह बन जाएगा। जनता राहुल का प्रधानमंत्री बनना न स्वीकारे, क्योंकि अगर जनता ने राहुल गांधी को उनकी छवि के आधार पर प्रधानमंत्री स्वीकार कर लिया तो फिर जनता ऐसे ही सरकारी तानाशाही में परेशान होती रहेगी। दूसरे बुद्धिजीवी आगे आकर कांग्रेस की असलियत बताएं, क्योंकि कांग्रेस की असलियत का जब तक देश के आम आदमी को नहीं पता चलेगा तब तक कांग्रेस सरकार की असलियत आम जनता तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए देश के दूसरे बुद्धिजीवी आगे आएं। जब हम आज जिन नेताओं को अच्छा समझते हैं और जब सत्ता में जाते हैं तो किस तरीके से बर्ताव करते हैं, देखिए आपके सामने और एक फिल्मी शॉट। ये सब क्या? सर, एक जाकर के पार्टी वाले वो इलेक्शन जीत गया है, अंदर है, वो आपसे मिलना चाहता है। आइए इंस्पेक्टर सर, इलेक्शन में विक्ट्री हो गया, पार्टी पार्टी बना रहा है, पार्टी का है, फिर भी आपसे कुछ जरूरी काम था, कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स पर्सनली हैंड ओवर करने थे, शिकवे कुरियर सर्विस ट्रांसफर ऑर्डर्स, 24 घंटे में आपकी कुर्सी इस पुलिस स्टेशन से बाहर। आप शिवगढ़ जाके क्या बोलेगा रिंकू? हाँ, डर के मारे जयकांत ने ट्रांसफर करवा दिया। अरे ये खबर पहुंचाने के लिए 300 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और आजकल ट्रैवलिंग बाय रोड सेफ नहीं, मर्डर्स, हिट एंड रन, एक्सीडेंट। ये खबर पहुंचाने से पहले तू कहां पहुंचेगा? किसको पता? अरे लुक दिया, जख्मी शेर बन जा। वैसे भी इंडिया में सिर्फ 1400 टाइगर्स बचे, तू भी एक दिन के लिए शेर बन जा। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तू बाजीराव सिंघम शेर है तो मैं जयकांत शिकरे शिकारी हूं। एक मिनिस्टर एक पुलिस वाले का शिकार कैसे करता है देखना। जय काम शिकारी, जय हो, जय हो। सर, शिवा ने स्टेटमेंट दिया है कि सारे धंधे वो चलाता था, अब जयकांत को कोई टच नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कैसे सत्ता हाथ में आते ही बदल जाते हैं, कहीं ये बदलाव हमें यही शॉट दोहराने के लिए ना दिखाए। आज आपने फिर एक अच्छे तरीके से इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए बेखौफ इरादे के साथ अपने बात को रखा, देश को बचाने के लिए, देश में हो रहे बदलाव को सही दिशा देने के लिए एक छोटा सा प्रयास हम भी कर रहे हैं, और इस प्रयास में आपकी लगातार जो साथ मिल रही है उसके लिए हम आपके आभारी है। आप जो प्रायोजक है उनके भी आभार मानते हैं, और ऑस्ट्रेलिया से यूके तक सैटेलाइट के द्वारा और डब्ल्यू
sudarshan.tv.com पर दुनिया भर में देखने वाले सारे दर्शकों का हम आभार व्यक्त करते हैं। वीडियो कॉन पर 322 नंबर पर सुदर्शन को आप देख सकते हैं, और अगर आपके पास या आपके मित्रों के पास जो DTH है, टाटा स्काई, डिश टीवी या एयरटेल या सन टीवी, इन पर अगर सुदर्शन नहीं दिखता है तो आपने कस्टमर केयर पर फोन करके सुदर्शन की मांग करें। आपका केबल वाला भी अगर सुदर्शन नहीं दिखाता है तो आप इसकी मांग कर सकते हैं, आपका अधिकार है। आज के लिए इतना ही, जय हिंद। सैनी पीरागढ़ी और सह प्रायोजक है विशेष तिवारी और करण राय हैदराबाद। बिंदास बोल को कोई भी नागरिक अपने नाम या व्यवसाय के नाम से प्रायोजित कर सकता है। संपर्क करें 09654279167।